दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से, वेलकम ऑल ऑफ यू। ये AI बेस्ड वीडियो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये मैंने खुद से बना रखा है, ये आप ना सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे कम से कम 2-3 मिनट का टाइम देना होगा। ये बहुत ही आसान होता है, देखिए वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रोफेशन जुड़े हैं, आपको वीडियो बनाने का प्रॉपर टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से AI बेस्ड वीडियो बना सकते हैं। तो आपको सिर्फ स्क्रिप्ट लिखनी है और AI आपके हिसाब से वीडियो आपको तैयार करके दे देगा। इसमें आप खुद की इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और था अवतार इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्यादा स्पष्टता के लिए आइए चलते हैं अपने इसी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज कुछ नया सीखते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द कंप्यूटर स्क्रीन। तो इस तरह से हम अपने गूगल अकाउंट में आते हैं। गूगल सर्च इंजन में हमको जन्मो एक टूल लिखना है। जन्मो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट का इंटरफेस इस तरह से आता है। थोड़ा अपलोडिंग होने में आपका समय लगाएगा, क्योंकि ये हैवी वेबसाइटें होती है तो थोड़ा समय लगता है। अगर आपको वीडियो बनाना है तो क्रिएट करना पड़ेगा। उससे पहले हमें इसके सेटिंग करनी पड़ती है। सेटिंग से पहले साइन अप करना पड़ेगा। किसी भी ऐप अथवा वेबसाइट का इस्तेमाल करने के लिए हमें साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप हम गूगल से हो जाते हैं, गूगल से ही इसमें साइन अप हुआ जाए होता है। अगर आपको लगता है कि आप अपना गूगल अकाउंट नहीं देना चाहते तो आप अपना डमी अकाउंट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको लॉगिन हो जाना है, जो भी आपका जीमेल आईडी या पासवर्ड है। उसके बाद हमें इस तरह का इंटरफेस आता है इस वेबसाइट का। हमें एकदम नीचे जहाँ पर डिस्क्राइब योर वीडियोस के नीचे सेटिंग कर लेनी पड़ेगी पहले। जैसे हम वीडियो एडिटिंग ऐप का इस्तेमाल करने से पहले उसकी सेटिंग पहली बार में करनी पड़ती है। इसमें हमें फ्रेम साइज को मैनुअली होगा तो यहाँ से हमें ऑटो कर लेना पड़ेगा। कहने का मतलब हम इसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो तरह का वीडियो बना सकते हैं, जैसा कि आमतौर पर एडिटिंग ऐप में होता है। उसके बाद आप देख लीजिए कितनी ड्यूरेशन का आपको बनाना है। 2, 4, 6 अलग अलग ड्यूरेशन दिए। इसके बाद इसमें मोशन, आप कितनी गति से अपने करेक्टर को दौड़ाना चाहते हो, चलाना चाहते हो, जो भी उससे काम करवाना चाहते हो, गति आप यहाँ से दे सकते हैं। इसमें मिनिमम 0 से 72 तक का है। अब इसके बाद इसके बंच आप कितने इसके वीडियो बनाना चाहते हैं, एक बनाना चाहते हैं, दो बनाना चाहते हैं, 3 बनाता है, आप एक बार में कई सारे वीडियो बन जाते हैं। आप ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपको परफेक्ट लगता हो वीडियो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमें इसमें डिस्क्रिप्शन। कहने का मतलब हम अपने करेक्टर से क्या काम कराना चाहते हैं। मैं अगर टीचर हूँ तो मैं अपने करेक्टर से कहूँगा टीचर टीचिंग क्लासरूम, इस तरह से कहूँगा। अगर आपका कोई और कुकिंग का चैनल है तो आप लिखेंगे कुकिंग फूड, या इस तरह से जो भी आपका। अगर आपका रिपेयरिंग का काम है, टीवी रिपेयरिंग, टीवी मैकेनिक या प्लम्बिंग, पाइप वर्क, कुछ भी जो भी आपको काम कराना आप यहाँ से लिख देंगे। फिलहाल मेरा प्रोफेशन टीचिंग का, तो मैंने लिख दिया टीचिंग स्कूल टीचर, कुछ इस तरह से आपको भी लिख लेना है। इसके बाद हमें इसके एकदम नीचे जहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद एरो नुमा आपको आकृति मिल जाएगी, आकृति में जाकर के आपको सबमिट कर लेना है। थोड़ा ये समय प्रोसेसिंग में लगाएगा, ये डिपेंड करता है कि हमने इसको डिस्क्रिप्शन कितना दे रखा। शुरू में आप छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे तो इस तरह से प्रोसेसिंग में आपका समय लगता है। ये ठीक इसी तरह से होता है जैसे हम वीडियो एडिटिंग ऐप में वीडियो एक्सपर्ट करते हैं, तो वो वीडियो की लंबाई के हिसाब से टाइम लेता है। आप अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन कम से कम डालिएगा तो उससे क्या होगा, वीडियो जल्दी प्रोसेस जाएगा और आपको दिख जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करने पर सारे फंडामेंटल मेन जो क्लियर हो जाते हैं। इस तरह से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से मुझे इसने 2 वीडियो बना करके दिए हैं। एक आई थिंक स्टूडेंट का या टीचर का, जो भी क्लासरूम का, इससे परफेक्ट लुक आ जाता है। तो इस तरह से हमारे 2 वीडियो बन गए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं मोशन में दिखाता हूँ, टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रही है और साथ में एक स्टूडेंट भी बैठा है। अब आपको यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। व्यू में जाएंगे तो व्यू आप इसका देख सकते हैं। डाउनलोड में डाउन एरो की पे आप क्लिक कर लेना और इस तरह से आपके डेस्कटॉप पे सेव होने लग जाता है वीडियो। अब इसके बाद आप इसको पेन ड्राइव में लेकर के अपने फ़ोन या जिससे भी आप काम करते हैं, आप वहाँ पर आप इसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे में क्योंकि मीडिया प्लेयर नहीं चलता है तो इसका डिस्प्ले इस समय आ नहीं रहा है। अदरवाइज इसका डिस्प्ले आपका लैपटॉप वगैरह से करेंगे तो आराम से इसका डिस्प्ले आ जाएगा। आपको यह वीडियो डाउनलोड कर लेना है और इसमें अपनी खुद की आवाज़ डालेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि इसमें आप वीडियो पर क्लेम कर सकते हैं। दो या आवाज़ अथवा फेस में से 2 में से एक चीज़ आपकी होगी। वह आप इसको फुल स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और इस तरह से आप इसमें वॉइस ओवर के थ्रू आवाज़ भी डाल सकते हैं। आवाज़ डालने के लिए आपको इस वीडियो को या तो अपने मोबाइल फ़ोन में पेन ड्राइव से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर में बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर से आप मोबाइल कनेक्ट करके किस तरह से होता है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा। आप इसके वीडियो का आउटपुट जो भी स्टोर हो रहा है आपके डेस्कटॉप पे, आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन पे लेकर के किसी भी एडिटिंग ऐप, काइन मास्टर है, VN एडिटर है, वीडियो गुरु है, आप किसी में भी इसको डाउनलोड करें।
डाल सकते हैं, चाहे आप इसको डायरेक्ट भी रिलीज कर सकते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप अलग अलग हमारे पास सोशल मीडिया आते हैं। फिलहाल मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसको एक बार दोबारा से एडिट कर दें, इसमें वॉइस ओवर के थ्रू अगर आवाज़ डाल देंगे तो उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है और साथ में आपकी वॉइस की एक पहचान भी बनी रहती है, दिखाई देता है। अब मैं ये स्क्रीन पर डेस्कटॉप पे मैंने एक फुटेज ऑलरेडी स्टोर कर रखी, तो मैं इस फुटेज का इस्तेमाल करके वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। इसके लिए आपको फिर से जन्मो ऐप पे आ जाना, जन्मो ऐप पे एकदम नीचे आपको मिल जाता है फोटो के नीचे, उस पर आपको डेस्कटॉप से फोटो लेना है। फोटो के बाद आपको फोटो के नीचे जो भी फोटो को चलाना है, हिलाना है, डुलाना है, फोटो से जो भी आप काम करना चाहते हैं, ये आपका मेन करेक्टर बन जाता है, वो आप डिस्क्रिप्शन में ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद इसको सेंड कर लेंगे तो इस तरह से आपका वीडियो क्रिएट होने लग जाए। तो ये इस तरह से हमारे इमेज से जो है वीडियो इस तरह से बन रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मूवमेंट। तो इस तरीके से मुझे यह दो आउटपुट प्राप्त होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप इससे बेहतर वीडियो भी बना सकते हैं, ये आपके स्किल पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। कुछ इससे बेहतर सेवाएं में हमें अगले दूसरी वेबसाइटों में मिल जाती है जो पेड वगैरह होती है, या ऐसे कई सारे ऐप्स होते हैं जिसको मैं अगले वीडियोज में कवर करूंगा। एक वीडियो में सारे कोर्स को कंप्लीट कर लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत व्यापक टॉपिक है, देश विदेश की गेमिंग इंडस्ट्रीज भी इस पर टिकी हुई होती है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, आसान तरीका, जल्दी बन जाते हैं। आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एट द एंड दिस एपिसोड दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल है, आप वहाँ पर भी जाकर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट माय अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।